गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? हाँ मंदर, आज बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आज ऑल गुड, कैसे सब? वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, सब लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दो। क्या चल रहा है? या जस्ट अ सेकेंड, चलो अभी लास्ट टाइम क्या पढ़ाई क्या किया था, किसी को तुम्हें याद है कि नहीं है? ऐसे मूड है कि नहीं आया ना तुम लोग? You have revised everything? कुछ रिवाइज किया है तुम लोग ने? कैसे आए हो? All revision done, क्या बात है अश्वत, चलो वेरी गुड। और बताओ बताओ बाकी लोग किधर है? सब लोग थोड़ा लाइव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ सब लोग। यस आई एम गुड, आई एम गुड। आ जाओ सब लोग आ जाओ। सोहम हैज डन, यस ऑल गुड ऑल गुड। क्लासरूम में हूँ आज मैं। सो यस यस यस, लास्ट हम लोगों ने स्टॉप कहाँ पर किया था? अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने दो टाइप्स बताए थे क्या? दो टाइप्स बताए थे मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। कितने टाइप्स किए थे? या आई हैव डन ऋषिकेश, ओके डेफिनेशन किया। और कुछ हम लोग ने नहीं किया ना उसके आगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोग ने किया था एक बार। जस्ट मैं तुम्हें 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, एक काम करो सब लोग, ए टू जेड सारे के सारे फटाक से एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। ए टू जेड जो जो हम लोग ने अभी तक पढ़ाई किया है ना, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग सो दैट हम लोग एक सब लोग एक फ्लो पे आ जाए, ठीक है? सो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, सब लोग जिसका हो जाएगा मुझे इधर मैसेज करेगा, फटक से आ जाओ। चलो जल्दी से आ जाओ। हुआ हाँ करो ऋतु चल अपडेट। लास्ट 10 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके चलो, सो हम लोग ने स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन देखे थे। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। एक था तुम्हारा, एक हम लोग ने किया था वो था तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट? सो हम लोग ने एक डेफिनेशन किया था बेस्ड ऑन योर मोलर हीट्स, राइट? सो उसमें हमने सीपीसी भी किया था मोलर स्पेसिफिक हीट के हिसाब से, वो किया था हम लोग ने कि नहीं किया था? लास्ट सेशन वी ओके ठीक है कोई बात नहीं। सो लास्ट सेशन वी वर डन विद योर गामा, लास्ट हम लोग ने वॉल्यूम एक्सपेंशन कर दिया था, ओके अच्छा ओके कोई बात नहीं ठीक में कोई बात। सो लास्ट टॉपिक हम लोग ने वो एक हम लोग ने खत्म किया था और स्पेसिफिक हीट हम लोग ने स्टार्ट किया था, ओके तो चलो आज ना थोड़ा और डिफाइन करते हैं उसको और हम आगे लेके जाते हैं। And let us understand ki exactly how you can work with your specific heat capacity. ठीक है, तो एक दो examples मैं देता हूँ तुम्हें, वो examples के respect से will work out. चलो I'll just share my screen with you guys. Just a second. हाँ चलो, so I'll give you one example. एक हम दो cases लेते हैं, and with respect to that we can work out further. तुम्हें one shot समझ में आएगा that what I'm trying to teach you. तो स्पेसिफिक हीट को ही हम लोग कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे लेके जाते हैं। सो चलो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव द हेडिंग स्पेसिफिक हीट। आज एक वापस थोड़ा जस्ट ले लेते हैं बिकॉज लास्ट टाइम मैंने तुम लोग जैसे बोल रहे हो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट बट इन डेप्थ हम लोग ने बात नहीं किया, ओके? सो स्पेसिफिक हीट, सो टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट होते हैं उसमें। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ आई टेल यू
इधर केस वन हम लिखते हैं, केस वन। सो अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं एक 5 किलो का एक मास है, 5 किलो का एक मास है, हाँ वेट ना कुमार, एक 5 किलो का मास है और एक 10 किलो का मास है, ठीक है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर, सो आई जस्ट गिव द हेडिंग ओवर हियर, इनिशियल टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, जस्ट स्टार्टेड आने। सो ये 5 किलो का मास है और एक 10 किलो का मास है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, फाइन, ओके। अभी दोनों का फाइनल टेम्परेचर, मैंने दोनों को हीट किया, ये दोनों मासेस को मैंने हीट किया, देखो स्क्रीन देखो सब लोग, दोनों मासेस को मैंने हीट किया, एंड व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज ये दोनों मासेस को मैं लेके गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो दोनों में चेंज एकदम सिंपल लॉजिक अगर तुम लोग देखोगे, सो द चेंज फ्रॉम 10 to 100 इज हाउ मच, 90 का, राइट, 90 डिग्री सेल्सियस का हैव चेंज्ड, इतना चमका सबको, ये मैंने क्या किया, लेकिन दोनों का मास अलग रही है मैंने, यस वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड ऋतुजा, यस ग्रेट ग्रेट ज़ियान, ग्रेट, चलो वेरी गुड। फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस दोनों में इनिशियल फाइनल मैंने सेम रखा है, दोनों का चेंज दोनों का सेम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 3-4 जन ने मुझे भी आंसर किया है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज द हीट रिक्वायर्ड इन बोथ द केसेस, चलो अभी सब लोग आंसर करो, फाइनल यू कैन जस्ट टेल मी विच वन इज मोर और विच वन इज लेस। ओके अक्षय ने किया, ओके वेरी गुड यश, ओके तुहिन वेरी गुड, कोमल, ओके अश्वत, नीत ग्रेट, ऋषिकेश, सोहन ठीक है, अश्वत ओके, सब लोग का इनपुट्स हैं, आई ए टू जेड का इनपुट्स हैं मुझे, ठीक है मंदार, ऋषिकेश ग्रेट, चैताली, आदित्य, ओके 10 सेकेंड में सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर 10 सेकेंड दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 8, 9 फटफट फटफट, कितना टाइम लगता है इतना आंसर करने में, ओके ग्रेट। ये क्या है सोनाली, व्हाट इज दिस, ठीक है चलो ग्रेट, चलो वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज आंसर द सेम, सो इधर मैं लिख दू फाइनल आंसर, दिस इज लेस एंड दिस इज व्हाट मोर, चलो आई गेस इतना सब कुछ चमक गया, एकदम बेस लॉजिक क्लियर है। सी इसे वन शॉट समझ में आएगा दैट ये ऐसा नाम हम लोगों ने क्यों दिया है, व्हाई ओनली स्पेसिफिक हीट, चलो ऑन दी अदर वे अराउंड ठीक है, चलो केस टू लेते हैं हम लोग, ओके सो आई विल जस्ट राइट हियर केस टू, फाइन। सो इधर हम लोग सेम पुट अप करते हैं, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, वापस 5 किलो का लेते हैं, वापस ये भी 5 किलो का लेते हैं, चलेगा ना। अभी मैंने क्या किया, दोनों मासेस मैंने सेम लिए, दोनों मासेस सेम है, इधर अगेन आई विल गो फॉर इनिशियल टेम्परेचर, द इनिशियल टेम्परेचर फॉर बोथ ऑफ देम वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, इधर हम लोग लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर, द फाइनल टेम्परेचर फॉर बोथ ऑफ देम, इधर मैं लेता हूँ 5 किलो, फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया पता है क्या, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हीट किया, सब लोग मेरे साथ, ऑल ऑफ यू विद मी, फर्स्ट केस को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हीट किया और सेकेंड केस को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट किया, फर्स्ट केस वॉज 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड केस वॉज 200 डिग्री सेल्सियस, दोनों में चेंज इज डिफरेंट नाउ, देखो पकड़ लो अभी कॉन्सेप्ट, पकड़ो कॉन्सेप्ट पकड़ो अभी, इसमें चेंज 90 डिग्री, यस वेरी गुड गाइस ग्रेट, चलो सो अभी वापस मुझे बताओ कि भाई हीट रिक्वायर्ड किसमें ज्यादा होगा, फटफट फटफट, हु इज विनिंग द रेस इन दिस, कम ऑन क्विकली, चलो आई गेस ये तुम्हें आंखों से ही तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें सबको इसमें किसी का गलती हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली यू विल टेल मी दैट वो 200 डिग्री सेल्सियस वाले में तुम्हारा क्या है, चेंज इज मोर, सो द हीट रिक्वायर्ड, द हीट कंटेंट इज आल्सो मोर इन दिस केस, सो इधर मोर और इधर लेस, चलो सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर इज, सो मोर चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज मोर हीट रिक्वायर्ड, राइट, more change in temperature, so the more the change in temperature, more the heat required, so based on this I can tell you that what kind of proportionality we can put, right, so based on this hum log bol sakte hain ki bhai proportionality kya hoga iske, ye wale case mein kis tarike se hum log proportionality pe hum log baat kar sakte hain, ha ha aryan, so chalo proportionality pe halka sa baat karte hain, so the amount of heat idhar hi baaju mein main likhta hu, yes very good sohan, heat is proportional to only mass, सिर्फ मास से प्रोपोर्शनल है,
हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज चेंज इन वॉट कड़क फटाफट वेरी गुड गाइस वेरी गुड चेंज इन टेम्परेचर यस अश्वथ यस यस चलो ग्रेट वेरी गुड गाइस सो हम लोग दो चीजों में इस हम लोग बात कर सकते हैं दो चीजों को मैंने कंपेयर करके तुम्हें बताया दो केसेस मैंने इधर बताया द वेरी फर्स्ट केस देयर वाज चेंज इन मास एंड द सेकंड केस देयर वाज चेंज इन टेंपरेचर सो व्हाट आई कैन से दैट एक देखो मास तो सिस्टम में तुम्हारा सेम ही रहने वाला है मास तुम्हारे सिस्टम में चेंज नहीं होने वाला है सो मैं इधर क्या बोल के सकता हूँ मैं इधर एक चीज ऐसे बोल सकता हूँ दैट योर हीट कॉन्टेंट तो इधर हम बाजू में लिखते हैं दैट योर हीट क्यू डिनोटेड बाई क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू योर मास एंड ऑल्सो योर हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू अ चेंज इन टेम्परेचर ओके सो अगर मैं दोनों को कंपाइल करके दोनों एक साथ लिखूंगा यस हाँ चेंज इन हीट बोल सकते हैं डेल्टा क्यू बोल सकते नो इश्यू जरूर तो जा सो व्हाट आई कैन से दैट योर हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड योर हीट इज प्रोपोर्शनल टू अ चेंज इन टेम्परेचर सो चलो दोनों को एक साथ जोड़ के एक स्टेटमेंट में अगर मैं इसको लिखने जाऊँ सो योर क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू योर मास एंड योर डेल्टा टी समझ में आया क्या Your heat is proportional to mass and delta T. Okay, yes. Because इधर mass मैंने consideration में किया ना, that's the reason I'm telling what specific heat. इधर बात ही क्या हो रहा है? Specific heat का हम लोग इधर बात कर रहे हैं. So उधर हम लोग उसका बात ही नहीं कर रहे हैं. कोमल. So we are talking just about mass in this case. So the amount of heat required to change the temperature of a substance is directly proportional to mass. mass of the substance and change in temperature of the substance. So हम लोग इधर specific heat capacity को हम लोग proportionality sign हटाने को हम लोग इधर put up कर देंगे Q is equals to C m delta T where C is known as your specific heat capacity. बाकी सब तो तुम्हें पता ही है specific heat capacity. चमका सबको Yes. Yes. C, M, delta T, M, C, delta T, जो भी तुम्हें बोलना है ठीक है सी टी एम एम सी टी जो तुम्हें बोलना है जो भी है सब कुछ वन इज द सेम सो क्यू इज समथिंग बट सी एम डेल्टा टी एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग या तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे या तो हम लोग वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखेंगे सो सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात या तो हम लोग के जी में एक्सप्रेस करेंगे या तो हम लोग मोल में एक्सप्रेस करेंगे सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात टू केसेस जस्ट टू केसेस या तो तुम लोग एक्सप्रेस करो या तो तुम लोग एक्सप्रेस करो इसको मोल्स में मैं अभी ना तुम्हें उसका भी बाइफर्केशन दे देता हूँ पांच मिनट लगेगा उसका भी हम लोग बाइफर्केशन ले लेते हैं या आई विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस ऋतुजा वो सी कब लिखते हैं और हम एस कब लिखते हैं ये मैंने जनरल कंडीशन दी है हाँ वो दोनों का मैं कंडीशन तुम्हें मैं अभी दे देता हूँ सो तुम लोग का कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगा ठीक है सी कब लेना है और एस कब लिखना है आई विल टेल यू राइट नाउ ये इतना तुम्हें समझ में आएगा ये पेज तुम्हें समझ में आएगा फ्लिप द पेज सो सी इज नॉट योर नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक जनरल कंडीशन मैंने लिख दिया सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन सी सी को भी तुम्हें डिफाइन करना है देन सी विल बी नथिंग बट योर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी करके मैं इसको लिख दूंगा तो मेरा काम हो गया सो तुम लोग मास को भी 1 केजी ले लो टेम्परेचर को भी चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कर लो हाँ कर ही रहे ना आर्यन अभी तो सी इक्वल टू तुम्हारा क्यू हो जाएगा अगर मास इज 1 केजी Your temperature, your change in temperature is 1 degree Celsius. Then C will be equals to Q. Okay, so heat required. So C ko main पीछे जो board है sir. अरे नहीं ये board पे नहीं मुझे लगा क्या पूछ रहा है आर्यन मैं सिखा तो रहा हूँ नहीं 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 इधर इतना अच्छा white board digital board है ना अपने पास चलो एक second मैं कुछ बोल रहा था तुम्हें ध्यान से सब लोग मेरी बात सबका 1000% focus मेरे पास जो भी सोए हुए हैं जो भी लेट के बैठे हैं सब लोग सीधे बैठ जाओ I can say that specific heat of a substance. If I want to define your C, मुझे C को define करना है. Your specific heat of a substance will be defined as a heat required. Q is what your heat. Your heat required. ध्यान से एक-एक word पकड़ो. Your heat required to raise the temperature. Delta T denominator में तुम्हारा है. So heat required to raise the temperature of a unit mass. Mass को मैंने क्या बोला? 1 kg. So heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius is known as what your yes very good Mandar वैसे ही हम लोग बोलेंगे is known as your specific heat for a substance ठीक है so हम लोग अलग अलग तरीके से इसको हम लोग बात करते हैं चलो very good अश्वथ so in case of gases ना जब हम gas का बात करते हैं एक हल्का फुल्का थोड़ा general knowledge
एक जब हम गैस का हम बात करते हैं ना, सो व्हेनेवर देयर इज स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, इट विल बी लाइक अकम्पेन्ड बाय योर चेंज इन वॉल्यूम एज वेल एज चेंज इन योर प्रेशर. ओके, हाँ ऋतुजा, मैं बताता हूँ ना डिफरेंस बताता हूँ दोनों का. सो चेंज इन योर, जब हम बोलते हैं गैस के लिए, सो हल्का सा प्रेशर वॉल्यूम में चेंज होता है. सो हम क्या करते हैं पता है क्या, विल हीट गैस, अगर गैस को हम हीट करते हैं, सो हम लोग या तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा, तो सम वर्क विल बी डन. यस, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, दैट इज नॉट आइडियल गैस इक्वेशन. सो जब मैं बात करता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख दिया, तो तुम्हारा वर्क डन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, योर वर्क डन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू योर वॉल्यूम. दो ही चीज होने वाली है, सुनो समझ के लो. एन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला, तुम्हारा आर तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तुम्हारा टेम्परेचर वो मैं एक फिक्स एक जगह पे उसको रखने वाला हूँ. तो बचा क्या, तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम. राइट, ये दो चीज तुम्हारी बची, प्रेशर बचा और तुम्हारा वॉल्यूम बचा. तो अगर मैंने प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया तो चेंज योर वर्क डन किसकी वजह से होगा, वॉल्यूम की वजह से होगा. अगर मैंने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख दिया तो तुम्हारा वर्क डन किसकी वजह से होगा, प्रेशर की वजह से होगा. सो इसके अंदर अभी दो बाइफर्केशन हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग रखेंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर और दूसरे को हम लोग रखेंगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम दो में से एक को कॉन्स्टेंट रखो, लेटर वन विल बी योर वर्क डन, वो तुम्हारा काम करके देगा. इतना चमका, अभी हम लिख रहे हैं उसको, ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं. सो कभी भी याद रखना, वॉल्यूम से हमेशा, वॉल्यूम में हीट रिक्वायर्ड विल बी मोर. सो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन योर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कभी भी ये अभी अपन आगे डिफाइन करेंगे, अपने आप समझ में आएगा. तो चलो इधर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ये मैं फ्लिप करूँ पेज, प्लीज टेल मी फटाक से, जल्दी से मुझे बताओ फ्लिप करूँ क्या इसको मैं, ये जो जो अभी मैं ओरली बोल रहा था आई टेल यू, वो फटाक से अपन करते हैं. ये थोड़ा आज स्पेसिफिक हीट हल्का फुल्का फटाक से खत्म करते हैं, वी हैव टाइम, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगर टाइम बचेगा तो अपन पीछे का थोड़ा आज पार्ट खत्म करते हैं. नेक्स्ट एक आधा लेक्चर में अपन ये इसको उड़ा देंगे, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, अभी इसके बाद सिर्फ थियरी मोस्टली थोड़ा बहुत बाकी है. ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर एक जगह पे तुम्हें काम में आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, फिजिक्स में भी काम में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम में आएगा, किधर भी चले जाओ, बारहवीं में किधर भी चले जाओ, सब जगह पे तुम्हें काम में आएगा. सो इतना समझ लो, ये तो ये एक पेज सीख लिया ना तुम्हारा स्पेसिफिक हीट क्लियर, ठीक है. हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना शुभम, अभी नेक्स्ट वही करवा रहा हूँ. चलो मैं दिख रहा हूँ ना अच्छे से, ठीक है. चलो अभी हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट सी है और एल है. ओके, हाँ लेटेंट हीट बाकी है, वो बाकी है अपना, अभी स्पेसिफिक हीट ही मैंने स्टार्ट किया, ठीक है. चलो इधर मैं लिखता हूँ स्पेसिफिक हीट, ठीक है. सो इसमें हम लोग बात क्या करेंगे पता है क्या, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे. तो एक है तुम्हारा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और दूसरा होता है तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है. ये यूजुअली एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोग ऐसे लेते हैं. सो इधर हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और इधर मैं बोलता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट. जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होता है ना, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दैट इज डिनोटेड बाय सी, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट दैट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है. ये समझ में आया, हाँ मैंने बोला ना ओरली बोला उसको हम, हाँ ऑफ अ गैस ही हम लोग, ये जो भी है हम लोग गैस का ही बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसके आगे और दो कंटेंट आ जाएंगे दोनों में, क्या हो गया बराबर ही बोला बे, देखो और दो कंटेंट आ जाएंगे इसके आगे. एक आ जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या आ जाएगा कांस्टेंट, एक आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम और दूसरा हो जाएगा एक कांस्टेंट प्रेशर. यस, नहीं ये यूजुअली हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं. और सेम ओवर हियर इधर हम लोग बात करते हैं
कांस्टेंट, इधर हम लोग क्या बोले वापस, इधर भी क्या कांस्टेंट वॉल्यूम और इधर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है देखो एक बार, जस्ट अ सेकेंड ना, देखो ये इतना तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि इधर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किधर हम लोग पहुंचे हैं, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, किधर से क्या मैं लेके आया, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार देख लो सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड ना, मैंने उल्टा लिखा तो लोग बोल रहे ये, एक सेकंड ये एस बोल रहा हूँ ना, हाँ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और ये मूलर स्पेसिफिक हीट, ये सी हो जाएगा। ओके सो एक सेकेंड भी गलत लिख दिया मैंने, उल्टा मैंने लिख दिया था। ठीक है हाँ हाँ वही वो मैंने जस्ट देखा, मैंने इधर मोलर लिखा इधर प्रिंसिपल लिखा। ठीक है लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में तो सेम ही रहने वाला है, वो तो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है, वो तो तुम्हारा डेफिनेशन वगैरह तो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है इसमें हम लोग मोल्स में वेट लेंगे, जो मास है ना तेरा वो तेरा मोल्स में आएगा। इसमें देखो फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तुम्हारा सिर्फ सी और एस सिर्फ ये डिफाइन करेगा कि तुम्हारा जो भी मास लिया है तुमने उसमें केजी में लिया है कि तुमने मोल्स में लिया है, वो दोनों में डिफरेंस है, दैट्स इट। नहीं वो हम लोग डायरेक्टली एस एस ले लेते हैं, हाँ एन भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, वो जैसे भी तुम्हें लिखना है यू कैन राइट इट डाउन, वो नोटेशंस में इट्स नॉट एन इशू, अल्टीमेटली वो मास तो मास ही रहने वाला, वो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है। सो इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, एक सेकेंड ना, इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसके अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं दैट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड, ये कुछ अलग कलर से लिखते हैं हल्का सा। सो इधर मैं लिख सकता हूँ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ यूनिट मास, वन की जगह पे यूनिट मास लिखते हैं, ऑफ अ गैस थ्रू वन केल्विन और वन डिग्री सेल्सियस। ठीक है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, एंड सिमिलरली ओवर हियर आई कैन से दैट पूरा सेम डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू वन केल्विन और वन डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर, ठीक है व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। हाँ हाँ दो मिनट हाँ श्रवण, प्रीवियस पेज पे श्रवण ही सॉरी, दो मिनट जाता हूँ मैं लास्ट स्लाइड पे जाता हूँ, एक सेकंड ये खत्म हो जाएगा ना दोरा पूरा अपन लिख देते हैं, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, सो इसमें भी पूरा सेम हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट में भी, सो इसमें भी सेम हम लोग बोलेंगे हीट रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस, अरे देख 274 से जब तू एक केल्विन बढ़ाएगा तो एक डिग्री सेल्सियस ही बढ़ने वाला है ना अक्षय, डेफिनेशन पर मैंने क्या लिखा है वो इन दी एंड वही बढ़ने वाला है ना, सो हीट रिक्वायर्ड, अब समझा अक्षय को, वेरी गुड, सो हीट रिक्वायर्ड भाई नहीं वो उसको समझ गया उसे समझा, सो हीट रिक्वायर्ड क्या बोल रहा था मैं भूल गया, हाँ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू वन केल्विन, अच्छा यूनिट मास नहीं बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं, थ्रू यूनिट मोलर मास बोल देते हैं, ठीक है इधर एक एडअप कर देते हैं मोलर मास ऑफ अ गैस थ्रू वन केल्विन और वन डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट,
अरे लास्ट क्या हो जाएगा भाई, तुम लोग लिख रहे हो ना, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, हाँ क्या लिखा मैंने, प्रेशर इज कंसर्न, सॉरी सॉरी गलती से लिखा, ये हो जाएगा व्हेन वॉल्यूम. सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोलर मास of gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when pressure is constant. देखो चमका क्या, तुम समझ में आया? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अ गैस क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर. केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है तुम लोग ने. 6.023 × 10⁻²³. वेरी गुड अश्वथ भाई, तुम लोग सब लोग मेरे साथ रहो. व्हाई गैस क्या क्या चिन्ह में वापस वो लिखना, नहीं समझा चिन्ह में. ठीक है, सो इसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं. देखो अगर तुम्हें शॉर्टकट बना ना, तुम लोग इसमें शॉर्टकट भी बना सकते हो एकदम सिंपल वे, कि तुम्हारा प्रिंसिपल स्पेसिफिक और तुम्हें कन्वर्ट करना है टू मोलर स्पेसिफिक हीट. तो तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. मतलब अगर तुम्हें कन्वर्जन करना है ना, वॉइस इज लैगिंग जस्ट अ सेकेंड. हुआ मेरा वॉइस स्टेबल हुआ, देखो एक बार, नाउ इट्स फाइन. वीडियो ऑन करूं मैं मेरा, इट वॉज ऑलरेडी स्टेबल. हाँ थोड़ा हल्का सांस रहेगा हिमांशु. देखो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, because we define it for ये ना गैस, मैं PV equals to NRT is your ideal gas equation है वो दोस्त, इसके लिए तो हम लोग उसी के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना. कब से वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उसी का बात कर रहा हूँ. मैं सुनो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा था. मैं तुम्हें क्या बता रहा था, रिटर्न वेरी गुड अश्विन. मैं कुछ बता रहा था तुम्हें, मैं ये बोल रहा था चेंज अगर चेंज करना है तो क्या करोगे. तो अगर प्रिंसिपल टू मोलर करना है ना कभी भी, तो हम क्या कर सकते पता है क्या, C को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम्हें करना है तो. तो ये क्या है, S. C equals to MS. तो तुम्हारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ में आया. एंड एम एस नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट, लिख देता हूँ इधर वरना बोलोगे क्या है ये मॉलिक्यूलर. ठीक है, आई गेस नाउ इट्स क्लियर, मॉलिक्यूलर वेट. सो अगर तुम लोग ने इस प्रिंसिपल को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तुम्हारा काम हो गया. समझ में आया क्या, देखो एक बार, सेम इट विल गो लाइक दिस. सीपी में भी सेम, सीपी विल बी एम इन टू एसपी, समझा ना, सीपी विल बी एम इन टू एसपी, सीवी विल बी एम इन टू एसवी. यस यस, पीवी इक्वल्स, चलो वो भी बाजू में लिख ही देते हैं इधर. ठीक है, और तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन PV इज नथिंग बट इक्वल्स टू NRT. ठीक है, सो ये हम लोग पूरा बात करते हैं कैसे हम लोग क्या काम करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं. एक बार स्टार्टिंग से स्पेसिफिक हीट देख लो, ये एग्जांपल से कहां से मैं क्या मैंने डिराइव किया, कैसे डिराइव करने के बाद मैंने दो पार्ट में कैसे उसको डिफाइन किया, ये पूरा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खत्म हो गया. देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये समझ गया तुम्हारा काम हो गया. एकदम चिंदी है, क्या है ये, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है, ये पता होना चाहिए. कभी भी स्पेसिफिक हीट आया ना तुम्हें पता होना चाहिए, ये एग्जांपल तुरंत याद आना चाहिए. मास एंड टेम्परेचर, ये दो चीज तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए तुरंत. स्पेसिफिक हीट वर्ड आया ना तुम्हें दो चीज स्ट्राइक होना चाहिए. वन मास पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इक्वेशन अपने आप बना दोगे, है ना, कर सकते हो ना उतना तो. ऑब्वियसली सिर्फ दो चीज अगर चमक गई तुम्हारा काम हो गया. भाई किधर है सब लोग, मुझे रिप्लाई करो, मैसेज करो, मैसेज करो.
अच्छा ऋतुजा, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट? एन इज नंबर ऑफ मोल्स, वो तेरा गैस में फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। आर क्या है? तेरा गैस कांस्टेंट, और टीबी टेम्परेचर में तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन में टेम्परेचर सेम कर रहा हूँ, ठीक है? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जब मैं बात कर रहा हूँ मास और चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी मास एंड चेंज इन टेम्परेचर को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो दो चीजें चेंज होगी, या तो प्रेशर चेंज होगा या तो तेरा वॉल्यूम चेंज होगा। तो मैं दोनों को एक साथ चेंज करने की जगह पे व्हाट आई एम डूइंग इज एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को चेंज होने देते हैं, और सेकेंड टाइम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को चेंज होने देते हैं, बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब समझा? चेंज इन टेम्परेचर होते इधर डाल दिया मैंने, वेरी गुड ऋतुजा, ग्रेट। इसके लिए मैं कब से बोल रहा हूँ, तू भी इनको नहीं क्या देख देख दो एकदम चिंदी है। अगर तुझे मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए ना, तू हिन मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए ना, तो तू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट तेरा जो भी आएगा ना ये उसको इनटू मॉलिकुलर वेट कर दे, तो तुझे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स ना। मैं मोल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो मैंने इनटू मॉलिकुलर वेट कर दिया, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स, तेरा काम ईजी हो गया, समझा? तो तेरा वो एक शॉर्टकट मिल गया ना, तो वापस तुझे ऑल टुगेदर वापस पूरा फॉर्मूला में पुटअप करके मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सीपीसीबी करने का वो जरूरत नहीं है वैसा, तो थोड़ा काम आसान किया तू इन्हें, ओके? तो ये इसको ना सी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन नेम दिस एज एस वी, आई कैन नेम इट, आई कैन नेम दिस एज एस पी, आई कैन नेम दिस एज सी वी, आई कैन नेम दिस एज सी पी, ये मेन चीज ही भूल गया था, ओके? अरे हाँ रे ओम, देख लो, चलो फटाक से खत्म करो, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खत्म करो, चलो फटाक से खत्म करो, आओ फिर जल्दी से खत्म करो। और कितना टाइम है? आधे लोग तो हो गए, बाकी लोग हम वेटिंग है। फटाक से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं भी, और सब लोग एक्टिव रहो इधर। और ये एक बार देख लो, लास्ट सेक्शन देख लो एक बार, ये एक बार देख लो। अरे अश्वत एक नंबर है, कोई बात नहीं, एक बार देख लो तुम्हारा एकदम कड़क वाला एकदम
खत्म, ये अभी खत्म हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम छोटा सा, एक बार सॉल्व करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो वंस विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड देन विल गो अहेड, ठीक है? एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है अभी, व्हेन द प्रेशर, व्हेन द प्रेशर ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस At 27 degree Celsius is doubled. देखो एकदम चिंदी लेवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम पास नहीं चाहिए इसमें, फटक से आंसर लाना। इट्स टेम्परेचर राइजेस टू 114 degree Celsius. कैलक्यूलेट द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। चलो करो। हाँ पूर्व, ये हुआ क्वेश्चन, ये देख लिया फर्स्ट स्लाइड सब लोग ने। हाँ हाँ क्वेश्चन देख दिखा, ये लिख दो ना, ये लिखते आयुष। अभी तक एक का ही आंसर है, 3। ये क्या डिवाइड बाय 600 ऋतुजा, वो बता मुझे। हाँ रुको जी, सबको लीटर में आंसर आ रहा है, और आई गेस 8 to 9 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, तो है नया मंदार और आगे भी और काफ़ी सारे मैसेज आए। तो जा अश्वत, अश्वत का
ठीक है, यश का शायद कैलकुलेशन एरर है, फिर और भी फर्स्ट सबसे अक्षय, ओके अक्षय है, और कौन है? देखो चाहिए ना तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो, केल्विन में कन्वर्ट कर दो, चाहिए तो ओके चलेगा, और नहीं है मीत, ठीक है कोमल, शायद गलत है कोमल, सोना लेना सी सी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है आयुष, देखो अगर तुम लोग को कन्वर्जन करना है देन आई डोंट माइंड, इट्स ओके इफ यू कन्वर्ट थिंग्स, आई विल टेक मोर आंसर्स फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स, 10 मोर स्टूडेंट्स। ए कैसे, कौन है ये? परनवी? नो 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 नहीं, इसकी नहीं है, नहीं आएगा, या फिर तूने टाइप नहीं किया क्या आगे का टाइप कर दे बेटा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेबी। हाँ आयुष, जियान को वापस सेम ही आ रहा है, तूने टेम्परेचर को किस में रखा है जियान? टेम्परेचर को किस में रखा है मुझे बताना, ओके सेल्सियस में रखा है, ठीक कोई बात, चलिए केल्विन भी चले, देखो मुझे दोनों चलेगा, मैं अभी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आई विल सॉल्व इन केल्विन, केल्विन में करते हैं, चलो केल्विन में फटक से आंसर आएगा, सो आई ट्राई टू सॉल्व इन केल्विन। तीन चार जन ने नो से मेथड देख ले, करना है तो कर दे, आई डोंट माइंड, क्योंकि हम लोग तूने वॉल्यूम को फिर 1 लीटर ही रखा रहेगा, राइट? वॉल्यूम को 1 लीटर, सो आई एम प्लानिंग कि केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम कन्वर्ट होगा, लीटर इज 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो, सो V1 है ना, 1 लीटर वॉल्यूम इज 1 लीटर, देखो इधर राइट, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो शायद इसकी वजह से सबको 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मे बी सबका जिसका इसका आंसर आ रहा है, बिकॉज सब लोगों ने 1 लीटर लिया है, या द आंसर विल बी इन लीटर, यस, इसके लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं, सब सही है, नॉट एन इश्यू विद इट, सो उस तरीके से अपन वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है? ये चलो रे, तुम लोग का कितना टाइम रे इतना इजी आंसर लाने को, फटाक से चलो, वॉल्यूम कितना है V1? 1 लीटर, बराबर, मैंने इसको कन्वर्ट किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, अगर चाहिए तो लाना है, तो T1 कितना हो जाएगा? 227 प्लस 273, बराबर, तो करो कितना होता है, 300 होता है ना, 300 केल्विन हो गया, फिर टेम्परेचर 2 कितना है? 114 प्लस 273, तो कितना हो गया? 387 केल्विन हो गया, और क्या बोला है? द टेम्परेचर राइजेस टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ वन एटर गैस इज डबल्ड, प्रेशर इज डबल्ड, सो न्यू प्रेशर इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर, बराबर ना, प्रेशर इज डबल्ड बोला, तो जो भी नया प्रेशर आएगा वो क्या ट्वाइस है ऑफ योर इनिशियल प्रेशर, सो अभी क्या करना है तुम्हें? V2 तुम्हें ढूंढना है, V2 तुम लोग ढूंढ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? सो V2 ढूंढ लो, कैसे करोगे? P1 V1, PV=nRT होता है, राइट? PV=nRT, सो T हम लोग नीचे ला सकते हैं, NR तुम्हारा सेम मोल ऑफ गैस है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, V2 तुम्हें ढूंढना है, सो V2 विल बी नथिंग बट T2 upon T1 into P1 upon P2 into V2, ठीक है? सो V2 विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, चलो पुट अप करते हैं, V2 कितना हो जाएगा, क्या है तुम्हारा? T2 कितना है? 387, 387 अपॉन 300, बराबर ना, गलत करता रहूंगा तो बताना, P1 कितना है? P1 है ही नहीं, अरे पुट अप करो, P1 upon P2, V को किया ना कन्वर्ट, 1000 वी किया ना दोस्त, ऊपर देख ना 1 लीटर मैंने कन्वर्ट किया है, तो ये P1 तेरा 1/2 हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज योर P2 इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ P1 ना, तो P1 P1 कट हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, चमका ना है सबको, और ये 1000 हो गया रे, ये चिंदी है अभी कैलकुलेट करो, हाँ 6 सबका राइट है ये आंसर, जिसने जिसने 0.645 लीटर और 645 सेंटीमीटर क्यूब दोनों भी आंसर सही है, और V2 is 0.645 लीटर, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है,
ये बेसिक क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है? एक स्पेसिफिक हिट का देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन करो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हिट। यू आर डन विद दिस? चलो फटाक से सब लोग रिप्लाई करो। डन विद दिस ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इससे भी आ जाएगा। चले वही होगा ना दोस्त, इन द एंड रेशियो वही होगा। बिना कैलकुलेटर आप वापस वो डिग्री सेल्सियस में कर ले, तो T2 कितना हो जाएगा तेरा? 27/114, राइट? और उसको 1 ही रख फिर, तो वैसे ही सेम आंसर कुछ आ जाएगा तेरा। यशकत नहीं आ रहा है? आएगा नहीं, ऐसा कैसा नहीं आएगा? हाँ ऑब्वियसली, तो लीटर में ही रखो ना फिर उसको, अगर उसमें रख रहे हो तो। यूजुअली हम लोग पीवी इक्वल्स एनआरटी करते हैं ना, तो हम लोग कर देते हैं। सोम क्या बात है, सोम आज एकदम एक्टिव है। सोम यूजुअली इन केल्विन, देखो हाउ मच इधर इधर चलता है डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इसमें डिफरेंस तुम्हारा सेम आएगा। सो हाउ मच हीट, हाउ मच हीट इधर मतलब अपना स्पेसिफिक हीट। सो हाउ मच हीट इज, क्योंकि नेक्स्ट मतलब ये स्पेसिफिक हीट रहता था, हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ केरोसिन फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ चिंता, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और क्या चाहिए तुम्हें, गिवन में और कुछ चाहिए? हाँ लगेगा ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ केरोसिन लगेगा तुम्हें, स्पेसिफिक हीट, हाँ वही ऑफ केरोसिन लगेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ केरोसिन ले लो तुम लोग, इट इज 0.51 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस। करो सॉल्व एंड गेट मी द आंसर, ये आज ही अपन ने किया, फटाक से आंसर लेके आओ।
चलन, बहुत लोग का आंसर आ रहा है दुहिन को क्या आ गया, हिमांशु को कुछ अलग आ रहा है, ठीक है ओके ओके। नहीं सर, सबके आंसर्स मैंने कब से देख ही रहा हूँ मैं, सब लोग मैसेज कर रहे हैं ना। सो यू आर गेटिंग इन गेटिंग इट इन किलो कैलरी और जूल में भी किसी किसी ने कन्वर्ट करके दिया है, ओके सो किलो कैलरीज एंड जूल, ठीक है चलो ग्रेट। तो एक काम करते हैं, चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है एक बार देखते हैं। चलो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर, फर्स्ट मास ऑफ केरोसिन है तुम्हारे पास, सो मास ऑफ केरोसिन कितना दिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब 0.5 केजी हो जाएगा। राइज इन टेम्परेचर तुम्हें दिया है, कितना राइज इन टेम्परेचर 10 से 40 गया मतलब 30 डिग्री, 40-10 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और स्पेसिफिक हीट ऑफ केरोसिन तुम्हें दिया है कितना 0.51 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। सो तुम्हें ढूंढना क्या है क्यू, सो क्यू इज समथिंग बट इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अरे बस ना इतना, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 0.5 इंटू क्या है भाई, 0.51 मल्टीप्लाई करो फटक से आंसर दो, इंटू 30 समझ में आ रहा है, एकदम इजी था, ज्यादा कुछ पढ़ा आज एकदम बेसिक्स ही हम लोगों ने किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। और क्या इसमें होता है भाई, हम लोगों ने देखा है हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस वी डिटरमाइन बाय यूजिंग कैलोरीमीटर, सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय द बॉडी, वैसे करके हम लोग कैलोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं। सो कैलोरीमीटर दिखता कैसा है वो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। सो टेंटेटिवली नेक्स्ट लेक्चर अपना इतना ज़्यादा मेहनत वाला नहीं रहेगा, थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वी विल फिनिश ऑल दोज कॉन्सेप्ट। और कैसा होगा ना कि थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, सो नेक्स्ट लेक्चर टेंटेटिवली लेट्स सी कितना अपना बाकी है, उसके हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर अपना ये होगा, फाइनल लेक्चर होगा, देखते हैं लेकिन कितना बाकी है, क्योंकि दो मेजर कॉन्सेप्ट मुझे याद है और दूसरा क्या क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे चेंज ऑफ वो लैटेंट हीट एक बाकी है, चेंज ऑफ स्टेट का देखना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा और है, 3-4 चीज़ें और है जो हमें करनी बाकी है और, ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट एक खत्म अपना टाइम है कैलोरीमीटर, 5 मिनट लगेगा कैलोरीमीटर अपन एक खत्म कर देते हैं, फिर वो एक वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो फटाक से वो इतने टाइम में हो जाएगा। सो कैलोरीमीटर एक खत्म करते हैं, देन विल गो अहेड, सब लोग है ना मेरे साथ, चलो नेक्स्ट वीक क्या बोल रहा है, हाँ मैं रहूंगा ना आयुष प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ वही वही सो वो सब बाकी है। 4.2 सॉरी उल्टा बोला यश, 4.2 ठीक है चलो मे बी आयुष मे बी लेट्स सी, दोनों ना दोस्त अथर्व दोनों ना, ये रेफर करना अथर्व बताया ना तुझे, वो डिपेंड करता है, हाँ वो आगे आगे बाकी है वो सब, सो हम वही मैंने बोला कि 3-4 चीजें याद आई मुझे, वो अपना बाकी है। एक छोटा सा सिर्फ डायग्राम देख लो कैलोरीमीटर का, क्या करता है कैलोरीमीटर, एकदम बेसिक है। हम लोग है ना वुडन ब्लॉक एक रखते हैं हम लोग, सुनो दो ही मिनट पाँच मिनट देख लो, इधर देखो इधर क्या करते हैं हम लोग, वुडन का ब्लॉक रखते हैं, ठीक है ये अपना एक वुडन का ब्लॉक है, फाइन। अब ये वुडन ब्लॉक के अंदर हम लोग ने ना अपना एक सही वाला एक फ्लास्क ऐसा रख दिया है, ठीक है इधर एक फ्लास्क है, एक वुडन ब्लॉक है, यस टू मेजर हीट एक्सचेंज, इन शॉर्ट टू मेजर स्पेसिफिक हीट। हाँ ये 10th में पढ़ा रहेगा तुम लोग ने, बराबर 10वीं बचपन में पढ़ा रहेगा तुम लोग ने, ऑब्वियसली इसके आजू बाजू सपोर्ट वगैरह रहेगा, इसके अंदर कुछ तो पानी वानी या फिर कौन सा भी एक लिक्विड डाल दो, सो इधर एक पानी वानी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। सो इधर मैंने क्या किया, एक पानी इधर ऐसे रख दिया, फाइन ठीक है, गौरव सर है अपने साथ,
इतना गर्मी में कैसे बैठे हो? सो ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, अरे एक सेकंड, तो इधर क्या वुडन ब्लॉक विल एक्ट लाइक अ थर्मस. वुडन ब्लॉक क्या करेगा, वो तुम्हारा हीट वगैरह जो भी वो आइसोलेट करेगा, थोड़ा बाहर नहीं जाने देगा वो वुडन ब्लॉक जो भी है वो. सो हम लोग ने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक के अंदर हम लोग ने अपना फ्लास्क रख दिया, वो फ्लास्क के अंदर हम लोग ने पानी रख दिया, वो पानी पे हम लोग ने क्या किया, देखो एकदम सही चीज है, हम लोग ने इधर कर दिया थर्मोमीटर, क्या रखा अपना, एक मिनट, अरे चलेगा ना अभी, इतना सहन कर ले, कौन है आयुष. देखो इधर हम लोग ने एक थर्मोमीटर रख देते थोड़ा बार बार काउंटिंग होने के लिए, ठीक है. सो इधर एक थर्मोमीटर हम लोग ने रख दिया, सो ये आ गया अपना थर्मोमीटर, और इधर एक स्टरर जैसा कुछ तो रखना पड़ेगा, ठीक है, तो एक स्टरर रख देते हैं सो दैट पता तो चले भाई कि अंदर उसको मिक्स करना है उसको, तो इधर एक स्टरर रख देते हैं, ठीक है. चलो ये वुडन फ्लास्क, वो बाहर का अपना हीट प्रॉपर अंदर वो रहे उसकी वजह से वुडन फ्लास्क, फिर बीच में पानी, वो थर्मोमीटर टू मेजर हीट, गर्म करते हैं हम लोग इसको, गर्म करके रखते हैं और इसके बाद हम लोग स्टर करते रहते ताकि इक्वली वो हीट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, वो इंसुलेटिंग चेंबर जैसा तुम्हारा बाहर का वुडन ब्लॉक एक्ट करेगा, ठीक है. और अंदर ऑब्वियसली इंसुलेटिंग जैकेट रहेगा थोड़ा सा हल्का सा, सो दैट अगर अच्छे से करना है तो प्रॉपरली हीट तुम्हारा लॉस होगा. सो हम लोग क्या बोलते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द बॉडी. सो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, यस हीट कैन एस्केप, हीट नहीं लेकिन हम लोग को, अरे बता रहा हूँ, वैसे हम लोग रखते हैं सिस्टम में. सो हम लोग क्या बोलते हैं, हीट लॉस्ट बाय बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द बॉडी, ठीक है. सो हीट लॉस्ट बाय द बॉडी विल बी, यस प्रॉपर्टी ऑफ योर हीट एक्सचेंज एकदम सही तरीके से तुम्हारे इधर काम हो गया. सो हीट लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री. द स्टडी ऑफ योर हीट इज नोन एज योर कैलोरीमेट्री एंड दिस इज नोन एज योर कैलोरीमीटर, ठीक है. सो इधर हम लोग ने कैलोरीमीटर हम लोग ने देखा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट लगा सकते हो, एकदम चिंदी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है. तुम्हें किताब में छोटा सा सेक्शन बाजू में दिया रहता है कैलोरीमीटर का, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है. ये छोटा सा एक डायग्राम, फाइन. सो देख लो आज का पूरा सेशन एक बार अच्छे से, क्या क्या किया आज, ज़्यादा नहीं किया. नेक्स्ट लेक्चर मेजर सेक्शंस अपने टेंटेटिवली खत्म हो जाएंगे, बिकॉज एकदम प्रिसाइज आज का ये कैसा था, स्पेसिफिक हीट थोड़ा हल्का सा दिमाग लगा दो, एक बार हो गया तो तुम्हारा काम हो गया, वैसा नहीं है. सारे इजी कॉन्सेप्ट, एकदम चिंदी कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट टाइम. सो तुम्हारा काम एकदम फटक से खत्म हो जाएगा. यस यस ऋषिकेश, ठीक है. हाँ बाकी है ना, सो मैं तो बोल रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, कैम्फर वैम्फर, वो सब एग्जाम्पल अपन देखेंगे. शायद तुम लोगों ने बचपन में किया है नहीं किया याद नहीं है, लेकिन अपन देख लेंगे, ठीक है. सो इधर ही आज का सेशन अपन इधर ही स्टॉप करते हैं, ओके. इधर अपन स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम थोड़ा एक बार सिर्फ रिवाइज करके आना, तो स्टार्टिंग में वो देख लेना एक बार, सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन गो अहेड. चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, भेटू या, चलो बाय बाय बाय. ऋतुजा, आई डोंट नो, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या 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 इलेक्ट्रिसिटी. यस यस, बाय बाय.